हेलो नमस्कार, आई एम संतोष कुमार प्रधान एंड वेलकम्स टू माय यूट्यूब क्लासेस ओडिशा ई इकोनॉमिक्स। स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द स्टेट मॉडल सिलेबस फॉर प्लस थ्री स्टूडेंट्स। पिला माने आज हमें प्लस थ्री इकोनॉमिक्स पिला मानकर सिलेबस डिस्कशन करिबा। बेसिकली से मानकर फर्स्ट सेमिस्टर रो सिलेबस आज आम डिस्कशन करिबा। तो चलो देखिबा से मानकर फर्स्ट सेमिस्टर रे कौन सिलेबस रहुची। देखो तुम मानकर समस्तंकर बेसिकली जो सिस्टम रहुची ताहा होची तुम मानकर चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम बा सीबीसीएस सिस्टम, जोटा कि ऑल ओडिशा रो समस्त यूनिवर्सिटी कॉलेज बोथ डिग्री कॉलेज एवं ऑटोनॉमस कॉलेज रो समस्त छात्र छात्री मानकर सेम सिलेबस समस्तों पई। बहुत सारा पिला मते कहंती सर आमर किए कहे ब्रह्मपुर यूनिवर्सिटी, किए कहे उत्कल यूनिवर्सिटी, किए कहे कलाहांडी यूनिवर्सिटी, रेवेन्सा यूनिवर्सिटी, तो आमर सिलेबस अलग हेब कि ना प्लस थ्री रे समस्तंकर सेम सिलेबस ऑल ओडिशा रो समस्त कॉलेज रो स्टूडेंट्स मानों को पाई सेम सिलेबस रही। तो आज आमे माने तुम मानकर फर्स्ट सेमिस्टर रो सिलेबस विषय रे डिस्कशन करिबा। तुमको प्लस थ्री रे टोटल 14 ऑनर्स पेपर पढ़िबा को पड़िबो। तो जोटा कि तुम कोर पेपर बोली कहा जाए, कोर मेन पेपर जो गुड़ाक। तो फास्ट आमे फास्ट सेमिस्टर रे दुईटी कोर पेपर पढ़ाक पड़ो। तो प्रथम आमे देखिबा कोर पेपर वन कौन ना, कोर पेपर वन रे तुम मानकर इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स विषय रे अछि, अर्थात प्रारंभिक व्यष्टि अर्थनीति विषय रे आमे माने सेमिस्टर वन रे पढ़िबा। देखो एथिरे तुम मानकर कौन रही ना, प्रथमे यूनिट वन रे रही एक्सप्लोरिंग द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स मार्केट एंड वेलफेयर विषय रही। एथिरे कौन तुम्हें माने पढ़िबो ना, द 10 प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र रो 10 नियम, हाउ पीपल मेक डिसीजन लोक माने किपर भाव में निष्पत्ति नियंती, वर्किंग ऑफ द इकोनॉमी एज ए होल इकोनॉमी बा अर्थनीति समग्र विश्व रे बा समग्र आकार रे किपर भाव रे कार्य करी थाए, थिंकिंग लाइक एन इकोनॉमिस्ट जणे अर्थनैतिज्ञ हिसाब रे केमिति आमे भाबीबा बा तांकर किपरि थिंकिंग होई थाए, द इकोनॉमिस्ट एज साइंटिस्ट, द साइंटिफिक मेथड, ऑब्जर्वेशन थ्योरी एंड मोर ऑब्जर्वेशन, रोल ऑफ अजम्पशंस, इकोनॉमिक मॉडल्स, इकोनॉमिक मॉडल सब कौन रही से विषय में पढ़ो, एवं व्हाय इकोनॉमिस्ट डिसएग्री अर्थनैतिज्ञ माने कहीं डिसएग्री होंगे, एवं ग्राफ्स इन इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स रे सब कौन ग्राफ्स रही से विषय में तुम्हें माने पढ़ो। तापर नेक्स्ट अच्छी मार्केट फोर्सेस जोटा कि बजार रो चाप बोली कहा जाए। तो एथिरे कौन रही ना, मार्केट जोटा तुम प्लस टू रे भी पढ़ी थी, बजार एवं कंपटीशन अर्थात प्रतिजोगिता, द डिमांड एंड सप्लाई कर आम मैंने पढ़ीचे, डिमांड चाहिदा रेखा एवं जोगाण रेखा, मार्केट वर्सेस इंडिविजुअल कर अर्थात मार्केट डिमांड कर एंड इंडिविजुअल डिमांड कर, मार्केट सप्लाई कर एंड इंडिविजुअल सप्लाई कर, शिफ्ट्स इन डिमांड एंड सप्लाई कर अर्थात चाहिदा एवं जोगाण रेखार परिवर्तन, मार्केट इक्विलिब्रियम अर्थात बजार संतुलन एंड चेंजेस अर्थात बजार संतुलन रे परिवर्तन, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अर्थात चाहिदार दर स्थितिस्थापकता, डिटरमिनेंट्स चाहिदार दर स्थितिस्थापकतार निर्धारक, एवं कंप्यूटेशन बा तार मेथड बा प्रणाली कौन किपरि पद्धति रही मेजर करबा को इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम एंड क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अर्थात आमर कंप्यूटेशन रे रही इनकम इलास्टिसिटी अर्थात आय स्थितिस्थापकता, एवं क्रॉस इलास्टिसिटी अर्थात प्रतिस्थापन स्थितिस्थापकता,
द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाय अर्थात जोगाणर स्थितिस्थापकता जोगाणर दर स्थितिस्थापकता तार डिटर्मिनेंट्स निर्धारक एवं तार कंप्यूटेशन रही कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर सरप्लस विषय रही आम मैंने पढ़ा नेक्स्ट यूनिट टू रे कौन रही देखा देख यूनिट टू रे तुम मानक अच्छी द थियोरी ऑफ कंज्यूमर चॉइस कंज्यूमर अर्थ तुम मैंने जाच उपभोक्ता अर्थात एथिरे तुम्हें मैंने बेसिकली उपभोक्ता विषय ही अध्ययन कर फास्ट रही बजेट कंस्ट्रेंट विषय पढ़ा बजेट कंस्ट्रेंट बा इनकम लाइन ऑफ द कंज्यूमर तापरे प्रिफरेंसेस रिप्रेजेंटिंग प्रिफरेंसेस विथ इंडिफरेंस कर्व विषय पढ़ा प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व और प्रॉपर्टीज विषय पढ़ा टू एक्सट्रीम एग्जांपल्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व एक्सट्रीम एग्जांपल्स दुटा इंडिफरेंस कर्व और परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स एवं परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स जहाँ रही आम पढ़ा तापर ऑप्टिमाइजेशन कौन पढ़ा ना इक्विलिब्रियम तापर चेंज इन इक्विलिब्रियम ड्यू टू चेंज इन इनकम इक्विलिब्रियम रे इनकम चेंज हेले केमती हुए इक्विलिब्रियम रे केपर भाव चेंज हुए जोटा को आम देखा आईसीसी इनकम कंजप्शन कर्व चेंज इन प्राइस प्राइस रे किपर हुए देखा जोटा को जो थ्रु आम डिराइव करवा पीसीसी बा प्राइस कंजप्शन कर्व इनकम गला आईसीसी इनकम कंजप्शन कर्व एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट देखा प्राइस इफेक्ट इनकम इफेक्ट एवं सब्स्टिट्यूशन देखा एवं प्राइस इफेक्ट किपर भाव इनकम इफेक्ट एवं सब्स्टिट्यूशन इफेक्टर मिश्रण ताने देखा डेरिवेशन ऑफ डिमांड कर्व को किपर भाव में डिराइव करवा से विषय देखा थ्री एप्लीकेशंस डिमांड फॉर गिफेन गुड्स गिफेन गुड तीन टा एप्लीकेशंस जो रही डिमांड फॉर गिफेन गुड्स देखा डिमांड फॉर इनफेरियर गुड्स देखा वेजेस एंड लेबर सप्लाय वेजेस अर्थात मजूरी एवं लेबर सप्लाय श्रम जोगाण विषय पढ़ा इंटरेस्ट रेट एंड हाउस होल्ड सेविंग से विषय पढ़ा नेक्स्ट आम मैंने यूनिट थ्री रे देख द फार्म एंड मार्केट स्ट्रक्चर बजार विषय एवं फार्म बा प्रतिष्ठान विषय पढ़ा जमती आम कॉस्ट कॉन्सेप्ट अर्थात परिव्यय आम मैंने पढ़ीचे प्लस टू रे प्रोडक्शन एंड कॉस्ट उत्पादन एवं परिव्यय द वेरियस मेजर्स ऑफ कॉस्ट कॉस्ट सब कौन कौन मेजर्स रही जमी फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट अर्थात स्थिर परिव्यय एवं अर्थनैतिक परिव्यय सॉरी स्थिर परिव्यय एवं परिवर्तनीय परिव्यय एवरेज एंड मार्जिनल कॉस्ट सीमांत परिव्यय हाराहारी परिव्यय कॉस्ट कर्व्स एंड देयर शेप्स सब प्रकार कॉस्ट रो कर्व्स आम डिराइव करिबा एवं तार शेप किपरि होइथाय से विषय पढ़ा कॉस्ट इन द शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन शॉर्ट रन कॉस्ट कथा पढ़ा एवं लॉन्ग रन कॉस्ट कथा पढ़ा नेक्स्ट आम इकोनॉमिक्स एंड डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल इकोनॉमीज ऑफ स्केल डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल विषय पढ़ा फार्म्स इन कॉम्पिटिटिव मार्केट बा परफेक्ट कंपिटिशन मार्केट रे फार्म्स विषय पढ़ा व्हाट इज कॉम्पिटिटिव मार्केट तापर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड द कॉम्पिटिटिव फार्म्स सप्लाय कर्व फार्म रो कॉम्पिटिटिव मार्केट रो सप्लाय कर्व विषय पढ़ा एवं परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट रे किपर भाव में प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है से विषय पढ़ा द मार्जिनल कॉस्ट कर्व एंड द फार्म सप्लाय डिसीजन मार्जिनल कॉस्ट कर्व विषय पढ़ा अर्थात सीमांत परिव्यय रेखा विषय एवं गोटे फार्म रो सप्लाय डिसीजन बा सप्लाय जोगाण रेखा विषय पढ़ा फार्म शॉर्ट रन डिसीजन टू शॉट डाउन फार्म्स लॉन्ग रन डिसीजन टू एग्जिस्ट एंड एंटर ए मार्केट फार्म रो शॉर्ट रन रे किपर भाव में गोटे फार्म किपर भाव में शटडाउन होता है और लॉन्ग रन रे किपर भाव में एंट्री आउ एग्जिट होता है से विषय आम पढ़ा द सप्लाय कर्व इन ए कॉम्पिटिटिव मार्केट बोथ शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन बोथ शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन रो कॉम्पिटिटिव मार्केट रो सप्लाय कर्व विषय पढ़ा नेक्स्ट यूनिट फोर कौन अच्छी ना तुम मानकर इनपुट मार्केट रही इनपुट मार्केट रे कौन पढ़ा आम ना द डिमांड फॉर लेबर अर्थात श्रम निमंते चाहिदा बा श्रमिक पाई चाहिदा से विषय रे कौन पढ़ा ना द प्रोडक्शन फंक्शन अर्थात उत्पादन फलन एवं द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर एंड डिमांड फॉर लेबर
शिफ्ट इन डिमांड फॉर लेबर कर द सप्लाई ऑफ लेबर द ट्रेड ऑफ बिटवीन वर्क एंड लीजर से विषय में पढ़ा शिफ्ट इन द लेबर सप्लाई कर लेबर सप्लाई कर पर किपर शिफ्ट हुए तापरे इक्विलिब्रियम इन लेबर मार्केट लेबर मार्केट रे इक्विलिब्रियम केमती हुए ना जो डिमांड फॉर लेबर इज इक्वल टू सप्लाई ऑफ लेबर से विषय में पढ़ा अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लैंड एंड कैपिटल लिंकेजेस अमंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भितर किपर निज निज भितर लिंकेजेस इंटरलिंक अच्छे से विषय में पढ़ा एटी दे रेफरेन्स बुक तुम्हें कौ बही फॉलो कर तो ए विषय से बेसी ध्यान दिओनि कारण ये जो बही गुड़ाक एगुड़ाकर दाम बहुत बेसी आ तुम्हें जदि एगुड़ाक भी पढ़व तो निजे पढ़ापी बहुत डिफिकल्ट हम टॉप रहिबो टिके बुझिया पाई तो तुम्हें जदि इकोनॉमिक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स रो के बही किणिबा को चाहुचो तो मते तुम्हें निश्चिंत रूपे कहि परिबो मु ताकु जे केऊ बही बहुत कम रेट रे एवं भलो रे बुझी परिबो से बही विषय रे मध्ये मु ताकु निश्चिंत रूपे कहिबी जो माने किणिबा को चाहिबो। नेक्स्ट आम मैंने पढ़ा कोर पेपर टू जोटा तुम कौन रही ना मैथमेटिकल मेथड्स फॉर इकोनॉमिक्स वन देख प्रथम यूनिट वन रे कौन पढ़ा ना यूनिट वन रे प्रिलिमिनरीज एंड फंक्शंस ऑफ अ रियल वेरिएबल ऑफ अ वन रियल वेरिएबल जमी सेट्स एंड सेट्स ऑपरेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट रिलेशंस फंक्शंस एंड देयर प्रॉपर्टीज नंबर सिस्टम्स टाइप्स ऑफ फंक्शंस कांस्टेंट पॉलिनोमियल रैशनल एक्सपोनेंशियल तापरे लॉगरिथमिक ग्राफ्स एंड ग्राफ्स ऑफ फंक्शंस लिमिट एंड कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शंस लिमिट थ्योरम्स ए विषय सब पढ़ा। नेक्स्ट डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन डेरिवेटिव रे कौन रही रेट ऑफ चेंज एंड डेरिवेटिव डेरिवेटिव एंड स्लोप ऑफ ए कर्व कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ ए फंक्शन रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन फॉर ए फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल एप्लीकेशन रिलेशनशिप बिटवीन टोटल एवरेज एंड मार्जिनल फंक्शन टोटल एवरेज एवं मार्जिनल फंक्शन भितर कौन रिलेशन रही से विषय में पढ़ा। नेक्स्ट यूनिट थ्री रे फंक्शंस ऑफ टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एथिरे कौन रही ना पार्शियल डिफरेंशिएशन टेक्निक जियोमेट्रिक इंटरप्रिटेशन ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव्स पार्शियल डेरिवेटिव्स इन इकोनॉमिक्स इलास्टिसिटी ऑफ ए फंक्शन डिमांड एंड क्रॉस इलास्टिसिटी क्रॉस एंड पार्शियल इलास्टिसिटी ए विषय में पढ़ा। नेक्स्ट लास्ट यूनिट कौन रही ना मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स जो थे मैट्रिक्स कॉन्सेप्ट ऑफ मैट्रिक्स टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स मैट्रिक्स अलजेब्रा ट्रांसपोज इनवर्स रैंक डिटरमिनेंट्स कॉन्सेप्ट प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स सॉल्विंग प्रॉब्लम्स यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स सॉल्यूशन टू ए सिस्टम ऑफ इक्वेशंस क्रामर्स रूल एंड मैट्रिक्स इनवर्सन मेथड ए विषय रे आमे माने अध्ययन करिबा बुक भी सेमती तुम्हें माने सेमिस्टर वन पाई बही रहुची पर्टिकुलर बही से बही तुम माने किनी पारिबो एवं किछि माने डाउट रहिले मध्य तुम्हें माने मते निश्चिंत रूपे कांटेक्ट करि परिबो मु तुमको क्यों बही तुम मानन को पाई बुझिया पाई इजी हेबो एवं बहुत कम मध्य रेट पड़िबो कम पैसा पड़िबो से विषय मध्य मु तुमको निश्चिंत रूपे जणै पारिबी किछि प्रॉब्लम नाही आ कहार किसी डाउट थिले मते कमेंट करके जनाओ। धन्यवाद।